प्यार करते हैं आप इनसे प्यार करती हैं? जी। झूठ तो नहीं ना बोल रही है? नहीं, प्यार करते तो देख भी करते हैं कि सामने में देखे है ना प्यार, या वीडियो में तो देखे है, प्यार करते हैं तो इनसे। ये मतलब समझ नहीं आ रहा, लोग अक्सर प्यार करते हैं तो अपने उम्र के जो है कि लेवल उम्र, का, प्यार में उम्र और जात पात महीने देखा जाता है। मतलब कैसे वो भगा ले जाओ, प्यार है ऐसा ना वो? भगा ना ले गए, हम ही जबरदस्ती बोले कि आप हमसे प्यार कीजिए। ये तो बोले कि ये मास्टर हैं, ये पढ़ाते हैं, अगर टीचर है ही टीचर हैं। तो टीचर है, आप पढ़ाते थे और आप इनसे पढ़ती थी? हाँ, तो हम पढ़ते थे तो इसका मतलब इनको बोले कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये बोले कि अगर हम तुमसे शादी करेंगे तो दुनिया वाले क्या बोलेगा, वैसे बच्चे सबके प्रभाव पड़ेगा, बच्चा सब क्या सोचेगा कि जब मास्टरे गलत है तो बच्चा सब कितना गलत होगा। तो हम बोले ठीक है, हम अपना गार्जियन को बोलेंगे, आपको डर काहे के लिए, आप हाँ कहिए। तो बोली ना, मैं बहुत ज़्यादा उम्र का हूँ और तू बहुत कम उम्र की है, मुझसे नहीं होगा। तो हम कहे ठीक है, हम अपने मम्मी पापा को बोलेंगे, हम अपना मम्मी पापा को बोलें कि हमको शादी करा दीजिए। तो बोले कि इतना उम्र का लड़का है और खुदा ना का कुछ हो जाएगा तब। कुछ अनहोनी हो जाए। हाँ, तो हम बोले कि जे तू 13 साल की उम्र है, तब के लिए हमको करा दीजिए, हम मेरा अपना भाग में जो भी लिखा होगा वही होगा। तो फिर बोले कि ठीक है, हम करा देते हैं शादी, क्योंकि जात में भी ब्राह्मण हूँ, ये भी ब्राह्मण थे, ऐसे ये खराब नहीं है, पढ़े लिखे हैं, पीजी किए हुए हैं। तो कोई भी इंसान चाहता है कि मेरे दामाद पढ़े लिखे हो, संस्कारी हो, ऐसे शिखर पराक मधु दारू शराब इस सब का कोई वास्ता इनका सा नहीं है, ये सब ना पीते उगते हैं। तो आखिर इनमें ऐसा मतलब क्या दिखा आपको कि इनसे प्यार हो गया? आखिर क्या पढ़ाते थे, बस यही दिखा? नहीं, इनका दिल जो है ना बड़ा साफ है, दयामान है बहुत ज़्यादा। इनके सामने में अगर कोई आदमी बोल दे कि मेरे पास में पैसा नहीं है, तो इनके पास में अगर पैसा रहे तो वो दे देते हैं। हम लोग बोल भी करते हैं कि उन लोग के पास में है पैसा काहे देते, बागर है, किसी को देना वो दान करना है, और दे देते हैं, उसका मन तो खुश हो गया, ये सबको खुशी देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या एक छात्र को टीचर से प्यार हो सकता है? काहे ना हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, हम इस बात आप से बिल्कुल सुनिए संतुष्ट नहीं तो है। आप संतुष्टि ना है, मगर जो छात्र प्यार करने वाला हो जैसे हम हैं तो हमको संतुष्टि है, तब ना शादी किए क्या हैं। सर, आपको क्या लगता है कि एक टीचर को छात्र से प्यार हो सकता वो है क्या? बोलेंगे ना हो जाता है। तो आपको भी लगता है कि सही है? हाँ, आपने जो किया आपको लगता है कि सही किए हैं? एकदम सही किए हैं। मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्कूल में जितनी भी बच्चियां पढ़ती हैं उनको टीचर से प्यार कर लेना चाहिए। अभी फिलहाल आपको मुंह देखकर ऐसे बोलते हैं, वैसे इनका वैसा भावना नहीं था, ये इनका भावना वो नहीं। अभी हो सके कि अभी हम तो पत्नी है, पत्नी के डरे तो आदमी देखबे करते हैं, वैसे ही बोल रहे हैं हाँ या ना बोल रहे हैं, मगर इनका अभी भी भावना होता है किसी समाज में कचरा ना फैलाए। तो एक ना कहीं आप लोग तो एक कचड़ा ही कर दिए ना, एक छात्र को टीचर से कैसे प्यार हो सकता तो है? ये नहीं प्यार किए, हम प्यार किए इनको, तो हम बोले कि हम आपसे प्यार करते हैं, यानी एक तरफा प्यार था जी, वो। एक तरफा प्यार, तो जबरदस्ती आप इनसे शादी कर तो ली? जबरदस्ती ना शादी किए। आप बताइए, 30 साल 60 साल का उम्र है, आपको अफसोस नहीं होता? काहे अफसोस हो, देख भी करते हैं, डबल उम्र का जो है ऐसा उससे नहीं होता। अगर सही उम्र के लड़का से शादी होता, मारता पीटता, गाली देता, अनाप शनाप बकता, इससे अच्छा है कि ये मानते तो है। हम चाहते हैं कि हम जब तक जिए ना तो इन्हीं के साथ जिए, और मरने के बाद में हम इनसे पहले हम मर जाए। आप लोग मनाइए कि हम सुंदरताई से, अभी तो मेरा सुंदर कुछ नहीं है, इससे पहले मैं बहुत अच्छी दिखती थी, और हम चाहते हैं कि जब तक जिए इनके साथ जिए, और मर जाए तो इनसे पहले मर जाए। तो सर हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एक टीचर को छात्र से कैसे प्यार हो सकता है। अच्छा ये बताइए, जब ये आपको प्रपोज की थी क्या, ये मतलब बताई थी क्या कि हम आपसे प्यार करते हैं? हाँ बोली थी। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया? हम कहे कि हमारा उम्र कुछ अधिक है, हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, गांव समाज में थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ। तो बोले कि नहीं, ये नहीं होगा तो हम गार्जियन दोनों को कहेंगे, उसके बाद गार्जियन की मर्जी से शादी हुआ। मतलब दोनों परिवार की मर्जी से शादी हुआ? हाँ। अच्छा आप लोग बिरादरी से पंडित जी है ना? हाँ पंडित जी। तो एक बात बताइए, पंडित जी लोग ही, ब्राह्मण लोग ही कानून बनाते हैं, मतलब समाज में जो है कि अच्छे अच्छे नियम को बनाते हैं, और अगर पंडित जी लोग ही गलत करेंगे तो समाज कैसे चलेगा? ऐसा थोड़ी होता है, आप लोग के हिसाब से गलत नहीं हुआ है? बहुत अच्छा किया आप, भाग कर नहीं ना शादी किए हैं, बताइए आप, देखिए चोरी नहीं ना किए हैं, आप संतुष्ट हैं इनसे? हम संतुष्ट हैं, हम जब इनसे शादी किए तो मेरे घर में कुछ नहीं था, इनके माँ बाप कोई नहीं था, हम अकेले आए हुए थे, अब बहुत दुख काटे हैं, बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं, देख रहे, अभी देख रहे हैं ना, आप चारों ओर कमरा दिखा दीजिए कि मैं बहुत तकलीफी से जी हूँ, मुझे ऐसे जीने वाला कोई है ही ना है, तभी मैं खुश हूँ क्योंकि ये अच्छे हैं,
जानते हैं ये पढ़ा, ये चिमनी में काम करके हमको पढ़ाए हैं, चिमनी में भी काम किए हैं। जी, जब इनका जो तबीयत खराब हो गया तो इनका ट्यूशन छूट गया, तो ये खुद ही चिमनी में ईटा ढोकर हमको पढ़ाए हैं। बोले शादी के बाद में तो हम सोचे कि जे अभी तो पढ़ेबे करेंगे, तो ये बोले कि ना, दो बच्चा होने के बाद बावजूद भी ये बोले कि देखिए विद्या जो गुण होता है ना, कोई छीना नहीं जाता है, और जो तू पढ़ लिख लेगी ना तो कभी भी तुमको काम देगा। ऐसे करो कि तुम अपने माँ बाप को बोलो, तो माँ बाप को बोले तो थोड़ा सा तो माँ बाप जानबे करते हैं। इसके बाद में नाम लिखा दिया और इसके बाद में पढ़ी, ईटा ढोक के हमको पढ़ाए। किस क्लास में, मतलब ट्यूशन पढ़ते थे इनसे? जी छठा क्लास में, छठा क्लास से पढ़ने लगे हम, तो छठवें में इनसे प्यार हो गया। छठवें क्लास। शादी किस उम्र में हुआ था, कितना उम्र था उस समय? मेरा उम्र 13 साल का था। और कितना दिन आप लोगों का मतलब कि वो चला था प्यार मोहब्बत? ना उतना दिन नहीं चला, जल्दी है मतलब सब हो गया, मगर शादी जल्दी हो गया। तो एक बात बताइए, 13 साल की उम्र में आप लोग का मतलब प्यार हो गया, ये थोड़ा अलग नहीं लग रहा है? 13 साल की उम्र में लोग बच्चे पढ़ते हैं, मम्मी पापा का बात सुनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने का प्रयास करते हैं, आपने ये सब प्रयास नहीं किया? हम लोग का समाज में 13 साल की उम्र में शादी कर दिया जाता है। लेकिन सरकार नहीं ना मानती है? क्यों सरकार नहीं, मेरी बड़ी दीदी उसका भी उम्र 13 साल की उम्र में शादी हुआ, तो हमको भी 13 साल की उम्र में शादी हो जाता। मतलब दीदी का हुआ तो आपकी भी इच्छा थी कि हमारा भी? मेरा भी हो जाता।